अनजान लोगों के साथ एक रूम शेयर करना, वो भी एक वेकेशन पे, सुनने में अजीब लग रहा है ना, बट ट्रस्ट मी, स्टेइंग इन अ हॉस्टल ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो इस साल मैं काफी हॉस्टल्स में रही हूँ एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ लाइफ टिपिकली इज इन अ हॉस्टल, प्राइमरीली गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम माय वेरी रीसेंट स्टे इन गोवा। लेट्स स्टेट द मोस्ट ऑब्वियस थिंग फर्स्ट, यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हॉस्टल्स में, क्योंकि आप अपना रूम शेयर कर रहे हो, कॉमन एरियाज हैं, तो लोगों से मिलने की, बात करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। गुड चांस दैट यू एक्चुअली माइट एंड अप मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ आप वो नई जगह एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आई लव यू पीपल। और जब वो होता है तो आप सिर्फ उस नई जगह के बारे में नहीं पर उन लोगों की नेटिव जगहों के बारे में भी जानते हो, विच इज सो मच फन। जब मैं गोवा में थी तो आई मेट पीपल फ्रॉम मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इवन अफ्रीका, एंड वी ऑल बॉन्डेड सो वेल दैट नन ऑफ अस वांटेड टू लीव द प्लेस एंड केप्ट एक्सटेंडिंग आवर स्टे। पता है मुझे बस ये एक कहना है, दिस इज नो मोर अ सोलो ट्रैवलिंग फॉर मी एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट सोलो ट्रैवलिंग। एक दिन सोलो ट्रैवल नहीं किया मैंने, ये लोग जो मिले और इन्होंने मेरे पूरे प्लान के कचरे कर दिए, कहीं जाने नहीं दे रहे ना, वाटर स्पोर्ट्स, खाली एक ही चीज होती है, बिठा के रखते हैं और मनचाहे डांस करवा देते हैं, सब डीजे बनते हैं यहाँ पे, सब डीजे है। वेल, ट्रैवल इफ प्लान्ड वेल इज नॉट अ लग्जरी एंड मुझे लगता है कि फ्लाइट्स के बाद वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस इज दैट ऑफ अकोमोडेशन एंड अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो वो ट्रैवल एक्सपेंस काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं नूसा पेनीडा गई थी तो होटल्स पर नाइट दिखा रहे थे 2000 टू 3000 पर नाइट, पर मैं रुकी एक हॉस्टल में जिसका डॉर्म बेड कॉस्टेड मी ओनली 400 रुपीज पर नाइट एंड दे इवन गेव मी अ किचन एक्सेस वेयर आई कुड कुक माय ओन मील्स एंड एंडेड अप कटिंग माय कॉस्ट ऑफ ईटिंग आउट सो मच। उसके साथ साथ हॉस्टल्स की जो जनरली टारगेट ऑडियंस होती है वो बजट ट्रैवलर्स होते हैं, इसलिए जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होते हैं, जो मील्स होते हैं या जो वो ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, वो सब भी बहुत इकोनॉमिकल होता है। सो इफ यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन अ बजट, डेफिनेटली कंसिडर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की, लेट मी टेल यू हाउ हॉस्टल्स आर सुपर लाइवली। यू कैन डू मूवी नाइट्स विद फ्री पॉपकॉर्न हियर, ये देखिए। एक तो जनरली हॉस्टल्स आर रन बाय लोकल्स हु आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू नियर बाय एंड इवन हॉस्टल के अंदर रोजाना के बेसिस पे इतनी फन एक्टिविटीज प्लान्ड होती है। जैसे जब मैं बाली में उबुद में एक हॉस्टल में थी, वी यूज टू हैव अ मूवी नाइट, कभी फैमिली डिनर, लाइव म्यूजिक, प्ले गेम्स ऑल नाइट। इवन गोवा में वी यूज टू हैव बॉलीवुड नाइट, समटाइम्स वी वुड जस्ट गो आउट, हंट फॉर लोकल फूड, लोकल ड्रिंक्स, या प्ले माफिया ऑल नाइट, या कभी किसी के मूड में आएगा कि सबको पूल में फेंकते हैं एंड वी वुड जस्ट एंड अप स्पेंडिंग द इंटायर डे इन द पूल। ये देखिए यहाँ पे है एक शानदार सा पूल जहाँ पे आपको धक्का दिया जाता है यहाँ पे अगर आप आओगे तो। All of which gives such an immersive social experience and I believe you can truly travel slow when staying in a hostel. You get to learn something new every day in a hostel. So I'm in Bhuva since 12-13 days now. Wow. And I learned bartending and she's going to teach me, right? Oh yes, I'm going to teach her some cocktails that I learned from Uber, so I'm going to pass the wisdom. क्योंकि हॉस्टल्स में सब लोग एक डिफरेंट स्किल सेट कैरी कर रहे होते हैं, आपको भी बहुत नई चीजें और नई स्किल सीखने को मिल सकती है। ये जो मोहतरमा है ये बहुत अच्छे वीडियो बनाती है और क्या पता कभी लाइफ को देखने का भी अलग नजरिया मिल जाए। रंजिश अब कबूल जी लो हर पल क्योंकि बाकी सारी बातें फिजूल। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ हॉस्टल्स में आपकी लोगों के साथ वाइब ना मैच करे, और ये मेरे साथ बाली में एक हॉस्टल में हुआ था, लेकिन उस केस में भी आप सीख जाते हो हाउ टू एडजस्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, विच यू माइट लेटर रियलाइज वाज सच अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस।
एंड फाइनली वो सब तो ठीक है बट आर हॉस्टल्स सेफ? तो मेरे हॉस्टल्स में रहने के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत से अच्छे हॉस्टल्स सिटी सेंटर में लोकेटेड होते हैं विच इज अ प्लस पॉइंट. बट येस आई डू हैव टू इंपॉर्टेंट टिप्स इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हॉस्टल. वन, रीड द रिव्यूज वेरी केयरफुली एंड उन रिव्यूज को आप सॉर्ट करो न्यू से ओल्ड सो दैट सबसे ज्यादा रेलिवेंट रिव्यू आप पहले पढ़ रहे हो एंड ऑल्सो सी वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम हु इज राइटिंग द रिव्यू, जो आपको booking.com पे आराम से दिख जाएगा. साथ ही साथ उस हॉस्टल के इंस्टाग्राम पेज को भी चेक करो टू अंडरस्टैंड द डेली एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन द हॉस्टल. एंड सेकंड, जब आप डॉर्म रूम के पिक्चर्स देखते हो तो मेक श्योर दे हैव अ लॉकर बिग इनफ टू फिट इन योर वैल्यूएबल स्टफ. सो आई बिलीव कि अगर आप ये सारी ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करते हो तो हॉस्टल्स कैन बी जस्ट एज सेफ एज एनी अदर अकोमोडेशन. बट अबव ऑल, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो, यू कैन बी द क्रेजीएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ विदाउट एनी जजमेंट्स. हाय उषा, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप? वेयर आर वी? व्हाट्सअप? व्हाट्सअप? वेयर आर वी? व्हाट्सअप? विषा, तूने मेरी चप्पल पहनी है? विषा ने मेरी चप्पल पहनी है और इसीलिए मैंने पूछ के पहनी थी. किससे पूछा? चप्पल से. मैंने चप्पल से पूछा था कि मैं दिशा पहन लूं. Man, big fan. We have been following you since like childhood. Not childhood. This guy's a faker. We have been following you since last birth. ये लगता है ये नारियल है, ये प्यासी है और ये पी रही है. पी के दिखाओ. बटर डाल. मैंने नहीं. अच्छा नहीं, मजाक करी, मजाक करी, मजाक करी. हाँ यार. ये शिट सब रिकॉर्ड. ये बॉटल किसने रख दिया?